ट्रांसलेशन के बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो जीन एक्सप्रेशन है। अभी हम लोग जीन एक्सप्रेशन को सुनेंगे, एकदम इजी टॉपिक है, रिलैक्स होकर इसको सुनते हैं। जीन एक्सप्रेशन, जीन तो हमें समझ में आ रहा है, स्ट्रक्चरल जीन, उसके पहले प्रोमोटर, टर्मिनेटर, ये रीजन जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट था वो हमें पता है। अब उस जीन का, यानी जो जीन हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन है, वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा या नहीं करेगा, उस जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने के लिए जेकब एंड मोनाड ने बताया कि हर ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट पर एक और भी जीन प्रेजेंट होता है जो रेगुलेट करता है कि जीन का एक्सप्रेशन यानी जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारे पास टू टाइप्स के जीन्स प्रेजेंट है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीन्स विच आर प्रेजेंट इन द सेल। वन इज हाउसकीपिंग जीन एंड सेकेंड इज लग्जरी जीन। हाउसकीपिंग जीन्स आर दोज जीन्स विच आर रेगुलरली एक्सप्रेस्ड, यानी इसके एक्सप्रेशन को हम कभी बंद ही नहीं करते। एंड लग्जरी जीन्स आर दोज जीन्स विच आर रिक्वायर्ड इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज नॉट रेगुलरली एक्सप्रेस्ड। ये हर समय अपने एक्सप्रेशन को नहीं देता, बल्कि कभी जिंदगी में कभी कभार इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो हम उसको उसके जीन का प्रोटीन बनाएंगे, अदरवाइज हम उसके प्रोटीन को यूज नहीं कर सकते। तो ऐसे लग्जरी जीन्स के रेगुलेशन के लिए जो हाउसकीपिंग जीन है वो तो है ही, लेकिन ऐसे लग्जरी जीन के एक्सप्रेशन के लिए ऑपेरन होता है और एक सेट है जीन का। ऐसा जेकब और मोनाड ने डिस्कवर किया कि जो लग्जरी जीन्स है उस लग्जरी जीन्स के रेगुलेशन के लिए, क्योंकि ये नॉन रेगुलेटरी, ये रेगुलेटरी जीन्स है, ये हर समय अपना एक्सप्रेशन नहीं देगा, तो हाउसकीपिंग रेगुलरली एक्सप्रेस्ड। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एंजाइम्स, जो जीन एंजाइम बनाता है ग्लाइकोलाइसिस के लिए, या जो जीन एंजाइम बनाता है क्रेब्स साइकिल, ये हाउसकीपिंग जीन्स है। व्हाई दीज आर हाउसकीपिंग? बिकॉज इनके बिना तो हमारा सिस्टम चल ही नहीं सकता। सांस लेते हैं, बिना सांस लिए हम जिंदा रह सकते क्या? बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकते, तो सांस लेना जरूरी है। और सांस लेने से क्या होता है ये डिसाइड तो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल करता है। तो ये दोनों के लिए जो हमारे पास एंजाइम्स है वो तो हर समय अपने को एक्सप्रेस करते रहेंगे ना, इसलिए ये हाउसकीपिंग है। इनके बिना हमारे हाउस बॉडी को हाउस कहते हैं, इसका देख रेख ही नहीं हो सकता। और दूसरा है लग्जरी जीन्स। लग्जरी जीन्स ऐसे जीन्स हैं जो कि कभी कभार एक्सप्रेस होते हैं, यानी ये रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं करते, उनको लग्जरी जीन्स कहते हैं। तो लग्जरी जीन्स आर नॉट रेगुलरली एक्सप्रेस्ड। दीज आर नॉट रेगुलरली एक्सप्रेस्ड, इनका रेगुलेशन, ये इनका एक्सप्रेशन हर समय नहीं होता। तो ऐसे लग्जरी जीन्स का जब हमें एक्सप्रेशन चाहिए या जब हमें एक्सप्रेशन नहीं चाहिए, यानी इसका प्रोटीन हमें चाहिए या इसका प्रोटीन हमें नहीं चाहिए, इन दोनों बातों के लिए कुछ ना कुछ तो जीन पर प्रेजेंट होता होगा जो ये डिसाइड करता होगा कि जीन का एक्सप्रेशन होगा या नहीं होगा। तो जो डिसीजन करता होगा उसका नाम कहा ऑपरेंट, एंड ऑपरेंट इज अ सेट ऑफ जीन, जहां पर एक जीन रेगुलेटर है, प्रमोटर है, ऑपरेटर है, स्ट्रक्चरल जीन्स है। दो टाइप के ऑपरेंट सिस्टम प्रोकैरियोट्स में, वन इज इंड्यूसिबल एंड अनदर इज रिप्रेसिबल। इंड्यूसिबल का एग्जाम्पल हमारे पास लैक ऑपरेंट है। बात समझ में आ रही है? लैक ऑपेरेंट को सुनते हैं पहले। लैक ऑपेरेंट इकोलाई में जेकब एंड मोनाड ने डिस्कवर किया। इकोलाई बैक्टीरियम आमतौर पर नॉर्मली ग्रोस इन द ग्लाइकोजन मीडियम, यानी ग्लाइकोजन ये फूड के रूप में ग्लाइकोजन को प्रेफर करता, और आमतौर पर इसके न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्लाइकोजन होता है। सो द बैक्टीरियम नीड्स द एंजाइम विच डाइजेस्ट ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन का डाइजेशन करने के लिए इसको एंजाइम चाहिए। तो जो जीन ग्लाइकोजन के डाइजेशन के लिए एंजाइम देता है इसे, वो हाउसकीपिंग हो गया। लेकिन
कभी कभार ऐसा भी होता है कि बैक्टीरियम को ग्लाइकोजन नहीं मिलता न्यूट्रिएंट मीडियम में, ऐसे कंडीशन में उसको दूसरा न्यूट्रिएंट मीडियम जो मिलता है दैट इज लैक्टोज। तो लैक्टोज कभी कभार उसके जिंदगी में कभी कभार ऐसा होगा कि वो लैक्टोज मीडियम पर ग्रो करेगा, लेकिन अगर वो लैक्टोज मीडियम पर ग्रो कर गया तो उसको लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम चाहिए होगा, एंड दैट एंजाइम इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज। एंजाइम क्या है लैक्टोज के डाइजेशन के लिए? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम चाहिए लैक्टोज को डाइजेशन करने के लिए। तो हमें उस जीन को कहना पड़ेगा कि भाई बीटा गैलेक्टोसाइडेज हमें दो, तभी हम क्या कर सकेंगे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा तभी हम लैक्टोजन को डाइजेस्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक रेगुलेटरी जीन होगा जो स्ट्रक्चरल जीन से पहले ये डिसाइड करेगा कि एंजाइम बनेगा या नहीं बनेगा। सो दिस इज एन ऑपरेंड। इस ऑपरेंड में स्ट्रक्चरल जीन प्रमोटर ऑपरेटर, ऑपरेटर मतलब स्टार्ट साइड समझ लो, और इसके पहले ये रेगुलेटर, ये जितना सिक्वेंस है दिस ऑल दिस सिक्वेंस आर कॉल्ड ऑपरेंड, सबको ऑपरेंड कहते हैं। अब सिर्फ अंतर यूकैरियोट से अंतर ये है कि प्रमोटर से पहले एक रेगुलेटर लगा हुआ है। ये रेगुलेटर जी रेगुलेट करेगा इस बात का कि ये स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बनाएगा और फिर इस एमआरएनए से ट्रांसलेशन होकर के प्रोटीन बनेगा या नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही है? ये जीन अपना एक्सप्रेशन करेगा या नहीं, एक्सप्रेशन कैसे करेगा, तो एमआरएनए बनाएगा और फिर प्रोटीन बनेगा। तो अब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज हमें किसी एक दिन चाहिए, पूरी जिंदगी नहीं चाहिए। जिस एक दिन हमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज चाहिए उस एक दिन हम इस जीन को ऑन करेंगे तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा, और बाकी के दिन जब वो लैक्टोजन पर होगा तो इसको ऑफ करेंगे क्योंकि अब हमें ये नहीं चाहिए। यही हुआ रेगुलेशन, दिस इज रेगुलेशन, एंड दिस रेगुलेशन इज कंट्रोल्ड बाय द रेगुलेटर जीन। ये रेगुलेटर जीन इसको कंट्रोल करता है। रेगुलेटर जीन जब तक बैक्टीरियम लैक्टोजन मीडियम पर है तब तक ये बैक्टीरियम जब तक लैक्टोजन मीडियम पर है तो स्विच ऑफ करना है किसको, स्ट्रक्चरल जीन को, है ना, इसको स्विच ऑफ, क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज तो उस दिन चाहिए जब लैक्टोज होगा। अभी ग्लाइकोजन है इसलिए हमें ये नहीं चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, इसका ट्रांसलेशन भी नहीं होगा। तो रेगुलेटर जीन कैसे इसको कंट्रोल करेगा? रेगुलेटर जीन सिंथेसाइज ट्रांसक्रिप्शन करेगा छोटा सा, और ये एक एमआरएनए का फॉर्मेशन करेगा, ये एमआरएनए ट्रांसलेट करेगा और ट्रांसलेट करके ये एक प्रोटीन बनाएगा, और ये जो प्रोटीन बनाएगा दिस प्रोटीन इज कॉल्ड अ रिप्रेसर प्रोटीन। ये रिप्रेसर प्रोटीन, बात समझ में आ रही है, रेगुलेटर जीन कैसे कर रहा है ये समझो। रेगुलेटर जीन पहले अपने जीन का ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बनाया, इससे हम प्रोटीन बना लिए, जो प्रोटीन बना उसका नाम हुआ रिप्रेसर। दिस रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू द ऑपरेटर साइट, ये जाकर के स्टार्ट साइट पर ऐसे ऑपरेटर और प्रोमोटर रीजन पर जाकर के ये ऐसे बाइंड करेगा। जब ये प्रोमोटर रीजन पर बाइंड कर गया रिप्रेसर, तो अब बताओ आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर साइट पर ब्लॉक हो गया, तो आरएनए पॉलीमरेज अब प्रोमोटर साइट पर आकर के यहां पर वो आ नहीं सकेगा। जब वो यहां पर आएगा नहीं तो ये अगले पार्ट का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा और ये जीन हमारा क्या हो जाएगा, ये जीन हमारा बोलो क्या हो जाएगा, स्विच्ड ऑफ। ये जीन क्या हो गया, स्विच्ड ऑफ। ठीक, अब अगर ऑन करना है तो ऑन कैसे होगा, तो ऑन करने के लिए न्यूट्रिएंट मीडियम में लैक्टोजन का होना जरूरी है, क्योंकि जब तक लैक्टोजन वो लेगा नहीं तब तक उसको बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो अगर न्यूट्रिएंट मीडियम में लैक्टोज है तो वो लैक्टोज स्मॉल अमाउंट में डिफ्यूज करके बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, एंड देन द लैक्टोज बाइंड्स टू द रिप्रेसर, एंड स्मॉल अमाउंट में जो लैक्टोज डिफ्यूज किया दिस लैक्टोज बाइंड्स टू द रिप्रेसर, ये रिप्रेसर के साथ बाइंड कर जाएगा और रिप्रेसर के साथ बाइंड करके इसको तोड़ देगा। जब ये रिप्रेसर को तोड़ देगा, इसके कन्फॉर्मेशन को चेंज कर देगा, तो फिर ये रिप्रेसर अब इस प्रमोटर साइट पर बाइंड नहीं कर पाएगा, और जब ये इसके
प्रोमोटर साइट पर बाइंड नहीं करेगा, तो इसका मतलब अब आरएनए पॉलीमरेज को प्रोमोटर साइट दिखेगा और आरएनए पॉलीमरेज यहाँ आएगा और इस प्रोमोटर साइट के पास ज्वाइन करेगा और फिर इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन करेगा। इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन करके क्या बना लेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा और बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज रिक्वायर्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ लैक्टोज और लैक्टोज का डाइजेशन होगा। ठीक है, तो लैक्टोज ऑपरन है ये, लैक्टोज जब आता है तब ये ऑपरन हमारा स्विच्ड ऑन या ऑन होता है, अगर लैक्टोज नहीं आता तो स्विच्ड ऑफ होता है। बस समझ में आ रही है, तो जब लैक्टोज आया तो ये स्विच्ड ऑन हो गया, लैक्टोज नहीं है तो रेगुलेटर ने रिप्रेशर बना के प्रमोटर को ब्लॉक कर दिया, जिसके कारण आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर ना तो यहाँ पर बाइंड ही नहीं कर सका और ये पार्ट ट्रांसक्रिप्शन नहीं किया तो ट्रांसलेशन अपने आप नहीं हुआ। जब ये रिप्रेशर का कंफर्मेशन लैक्टोज ने तोड़ दिया, चेंज कर दिया, तो ये ओपन रह गया, जिसके कारण आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के साथ बाइंड किया और स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो गया। तो फर्स्ट कंडीशन में स्विच्ड ऑफ था, रिप्रेशर ने इसको बाइंड करके ब्लॉक कर दिया तो लैक ऑपरेन ऑफ हो गया, और जब लैक्टोज नहीं था तभी रिप्रेशर, जब लैक्टोज आया तो रिप्रेशर इसके साथ जुड़ के इसको तोड़ दिया, इसके कन्फर्मेशन को चेंज कर दिया, जिसके कारण ये इसके साथ बाइंड नहीं हुआ। तो फिर ये बाइंड नहीं हुआ तो आरएनए पॉलीमरेज ने इसको ट्रांसक्राइब किया, ट्रांसलेट किया, प्रोटीन बन गया, स्विच्ड ऑन हो गया। क्लियर हो गया लैक ऑपरेन? ठीक है, नोट्स के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है, एनसीईआरटी से इसके नोट्स को देखिए। ये इंड्यूसिबल था, ये ऑपरेन आमतौर पर बंद रहता है, इसको इंड्यूस करते हैं लैक्टोज देकर, जब लैक्टोज जाता है तब ये ओपन होता है, अदरवाइज ये शांत डॉर्मेंट रहता है, इसलिए इसका नाम होता है इंड्यूसिबल ऑपरेन। अनदर ऑपरेन इज ट्रिप्टोफैन, एनसीईआरटी में नहीं है ट्रिप्टोफैन लेकिन ब्रिक में सुनते हैं, ये तो बंद रहता था तो उसको ओपन किया, ये हर समय खुला रहता है और इस खुले को बंद करना पड़ता है कभी कभी। तो यहाँ पर कुछ जीन है, रेगुलेटर जीन यहाँ पर आ रहा है, ये हर समय ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करता रहता और पॉलीसिस्टोनिक है, ई बी सी बी ए, ट्रिप्टोफान ई, ट्रिप्टोफान डी, ट्रिप्टोफान ए बी सी डी, ऐसे है ये पांच जीन है जो ट्रिप्टोफान की सिंथेसिस के लिए चाहिए। तो ये रेगुलेटर, क्योंकि हर समय ट्रिप्टोफान का हमारे पास नीड है, तो ये रेगुलेटर क्या करता है, ये रेगुलेटर अपने पार्ट का एमआरएनए बनाता है ट्रांसक्रिप्शन करके, और फिर ये एक प्रोटीन बनाता है जिसे एपो रिप्रेसर कहते हैं। एपो रिप्रेसर इनसफिशियंट होता है, यानी ये पूरा रिप्रेसर के जैसा नहीं होता, और जब रिप्रेसर के जैसा नहीं होता तो ये इसके प्रोमोटर साइट को ब्लॉक भी नहीं करता, जब ये इसके प्रोमोटर को ब्लॉक नहीं करता ये ऑपरेन खुला रह जाता है और इस पर आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करके ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस करता है। तो आमतौर पर ये खुला हुआ इस तरह से, लेकिन जब कभी सेल्स के अंदर ट्रिप्टोफैन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है देन द ट्रिप्टोफैन कंबाइंस विद द एपो रिप्रेसर और ये इसके साथ बाइंड करके पूरी तरह से रिप्रेसर बना लेता है, और ये रिप्रेसर क्या करता है तो प्रोमोटर साइट पर जाके ब्लॉक कर देता है इसको, जिसके कारण आरएनए पॉलीमरेज अब इसमें बाइंड नहीं करता और इस पार्ट का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं होता। तो जब भी ट्रिप्टोफैन सब ज्यादा नहीं था तभी ये ओपन था, और जब यूज नहीं हो पाया उससे ज्यादा ट्रिप्टोफैन बन गया तो वो ट्रिप्टोफैन खुद ही क्या हो गया, खुद ही वो को रिप्रेसर के जैसे काम करने लगा, ये एपो रिप्रेसर के साथ बाइंड करके इसके प्रोमोटर साइट को ब्लॉक कर दिया और इस तरह से ट्रिप्टोफैन ऑपरेन हमारा स्विच्ड ऑफ हो गया। क्लियर हो गया लैक ऑपरेन और ट्रिप्टोफैन ऑपरेन?